आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स ये आलू और आटे की बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी मठरी, और ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। आप चाहें तो इनको चाय के साथ भी ले सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। आपको हम दिखा दें, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्त डिशेज। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू और आटे की मठरी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें हमने ये एक कटोरी आटा लिया है, ये हमने 3 बॉयल आलू है, ये हमने एक कटोरी सूजी ली है, ये एक कटोरी ऑयल है, मोयन के लिए हम ऑयल डालेंगे, ये हमने थोड़ी सी अजवाइन ली है, इसको हम क्रश करके डालेंगे। ये हमने थोड़े से चॉप किए हुए कड़ी पत्ते लिए, इनको डालेंगे, इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी ये सारा हम मिक्स कर लेंगे। अभी ये सारा मिक्स हो चुका, अब इसमें हम ये पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तैयार करना है। अभी ये आप देख सकते हैं हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, रेस्ट करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं ये फूल गया अच्छे। अभी इसके हम ऐसे छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे के बना लेंगे। आप देख सकते हैं बॉल बना के हमने रख लिया। अब इनको हम एक एक करके बेल लेंगे। आप देख सकते हैं ये बॉल को हम इस तरह से बेल लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी से बेल लें। आप शेप कोई सा भी दे सकते हैं। इस तरह से हम सारे बेल के रख लेंगे। अभी ये हमने बेल के रख लिए, अभी इन्हें हम पकाएंगे। ये हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था पहले से, ये अभी गरम हो चुका। ये हमको हल्का गरम करना है, हल्के गरम में डालना है इनको, इस वजह से ये अच्छे से अंदर से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे डाल देंगे इसमें। आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी ये हमारे बनके तैयार हो चुके हैं मठरी। अगर अच्छी लगे तो बनाइएगा ज़रूर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।